अच्छा, नेक्स्ट सबसेक्शन पे जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो मैंने छोटी सी बनाई है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के इक्वल पार्ट्स हम किस तरह कर सकते हैं। किसी भी लाइन से किसी कोई भी लाइन सेगमेंट है हमारे पास, उसको हम किस तरह इक्वल पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, चाहे हम दो पार्ट में तोड़ें, तीन में तोड़ें, 10 में तोड़ें, कितने भी पार्ट में तोड़ना चाहें तो हम किस तरह तोड़ सकते हैं, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूँ। उसके लिए आपको एक स्केल की और एक कंपास की जरूरत है। तो ये मैंने स्केल लिया है, इस स्केल को मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया और इस पर मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया। अब ये मेरा लाइन सेगमेंट है असल में, इसके मैंने इक्वल पार्ट्स करने हैं और इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं पांच इक्वल पार्ट करूंगा। तो यकीनन अगर मैं पांच इक्वल पार्ट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि मैंने पांच यूनिट लेंथ की ही ये लाइन सेगमेंट बनाया है। तो हर एक पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पे आना चाहिए, ऐसा ही है ना? देखिए, मैंने मैंने यस यहाँ पे अभी टिक मार्क नहीं किए हैं, ये तो हमें स्केल बता रहा है कि मैंने 5 यूनिट लेंथ की ये लाइन सेगमेंट बनाई है। मैंने 1 पे कोई टिक नहीं लगाया, 2 पे कोई टिक नहीं लगाया, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके सामने। चलें स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने इसी स्केल से किसी भी एंगल पे, बस आप इस स्केल को टेढ़ा करें, यहां पर इसको रहने दें फिक्स, और एक रे बना दें, कितनी भी लंबी बना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने ब्लू कलर की एक रे बना दी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी लंबी बना दें, किसी भी एंगल पे बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने ये किया, अब आप स्केल हटा दें। अब आप कंपास लेंगे, कंपास को अपनी मर्जी से ओपन करेंगे, जितना भी ओपन करना चाह रहे हैं यहाँ पे रख। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितने पार्ट्स बनाने, इस रेड कलर की लाइन सेगमेंट के कितने पार्ट बनाने, आपने 5 बनाने, 6 बनाने हैं, 10 बनाने हैं, कितने इक्वल पार्ट्स बनाने, ये आप पे डिपेंड करता है, या 2 बनाने हैं तो उतने ही, आपने जितना भी इस कंपास को खोला है ना, बस उतनी ही लाइन यहाँ पे बना देंगे इस तरह से, जैसे अभी आपको यहाँ नजर आएगा। ठीक है, ये देखें, अब इसी कंपास को उतनी ही लेंथ के साथ आगे ले जाएं, अगले पॉइंट पे रखें, अगला पॉइंट लगा दें। अगर आपको 2 चाहिए थे तो 2 ही लगा दें, अगर आपको उससे ज्यादा इक्वल पार्ट्स करने हैं रेड कलर की लाइन सेगमेंट के तो ज्यादा कर दें। मैंने 5 करने थे तो मैंने 5 कंपास से ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये इक्वल सेगमेंट्स हो गए ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो लास्ट मैंने सेगमेंट बनाया है उस धर से लेकर मैं रेड कलर की लाइन तक एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम कंपास को लेकर आएंगे और जो मैंने लाइन ड्रॉ की है उतनी लेंथ जितना मैं कंपास को खोलूंगा। ठीक है, ये देखें लास्ट पॉइंट है, लास्ट मार्क से मैंने यहां तक कंपास को खोला है और इसको मैं ड्रॉ कहाँ करूंगा, इस पोजीशन पे जहां पे स्टार्ट किया था, दूसरी वाली जगह पे, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं कंपास को खोल रहा हूं जो मेरा टोटल मैंने मार्क किए हैं वहां तक। ओके, अब देखिए, जब मैंने यहां पर कंपास को खोला था तो इस जगह से मैंने लाइन ड्रॉ की थी यहां पहुंचकर, अब जब मैंने यहां कंपास की लेंथ ली है तो मैं दूसरे वाले कॉर्नर पे, रेड लाइन के दूसरे कॉर्नर पे लेके जाऊंगा इसको और मैं यहां इसको मार्क कर दूंगा। अब हम इस कॉर्नर से एक लाइन खींचेंगे वापस जहां पे ये दोनों इंटरसेक्शन हुआ है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, वापस जितना हमने ऊपर इक्वल सेगमेंट्स बनाए थे। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन हुई क्या है, ये ऊपर एक ब्लू लाइन देख रहे हैं आप और एक नीचे भी नई ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल बनाई हैं। असल में इस कंस्ट्रक्शन से हुआ ये कि ये ब्लू कलर की लाइन और नीचे ब्लू कलर की लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये आपके कोई मसला नहीं है, अगर बहुत सारी बातें नहीं समझ आती तो आपके आगे थ्योरम्स हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप सिर्फ ये समझ लें कि इक्वल पार्ट्स किसी भी लाइन सेगमेंट के किस तरह बनाने हैं आपने। मैंने 5 इक्वल पार्ट किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आप 10 करें कितने भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीकेकार यही रहेगा। अच्छा, आपने ये देखा मैंने कंपास वापस उतना ही खोला है। अब मैं जो टिक मार्क लगाऊंगा वो नीचे वाली लाइन पे लगाऊंगा जो मैंने नई लाइन बनाई है, पहला टिक मार्क, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये पांचवा तो ऑलरेडी हुआ वही है, ये एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है जो मैंने पहले बनाई थी। अब हम दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब ये मैंने लाइंस तमाम ऊपर वाले टिक मार्क को और नीचे वाले टिक मार्क को मिलाकर एक ग्रीन लाइन ड्रॉ कर दी है, ये तमाम ग्रीन लाइंस आपस में पैरेलल है। अब ये जो ग्रीन लाइन जहां पर रेड कलर की लाइन से, जो मेरे लाइन सेगमेंट से
जहां पे इंटरसेक्ट हुई है वहां पे मैंने टिक मार्क लगा दिए, ये आप देख रहे हैं थोड़े से ब्राइट ग्रीन टिक मार्क। ये असल में इन टिक मार्क्स ने क्या किया है कि मेरे रेड कलर के लाइन सेगमेंट को 5 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया है। तो बाकी की मेरी कंस्ट्रक्शन अब किसी काम की नहीं है, उसको मैं फिलहाल हटा दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं कि ये तमाम ग्रीन लाइंस आपके पास, इवन ये जो ब्लू में बनी हुई है यहाँ पर, ये भी एक ग्रीन लाइन ही, इसको कंसिडर करें इसी का हिस्सा है। तो ये तमाम ग्रीन लाइंस असल में पैरेलल है। इन तमाम पैरेलल लाइंस पर ये जो एक ऊपर वाली ब्लू लाइन है, अगर ये भी थ्योरम है, अगर तो जितनी भी पैरेलल लाइंस हैं उनमें से अगर एक ट्रांसवर्सल गुजरती है और वो ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल अगर इक्वल सेगमेंट रखती है आपस में, तो तमाम ट्रांसवर्सल जितनी भी गुजरेंगी तमाम की तमाम इक्वल पार्टीशन ही बनाएंगी, इक्वल सेगमेंट्स रखेंगी। अब वो कितने भी होंगे, कितनी भी लेंथ हो सकती है, लेकिन इक्वल ही रहेगा। इसी तरह से ये एक रेड कलर का जो लाइन सेगमेंट है, ये भी एक ट्रांसवर्सल है इन तमाम ग्रीन कलर की पैरेलल लाइंस पर, तो इनके दरमियान भी जो डिस्टेंस होगा वो तमाम के तमाम का इक्वल पार्टीशन ही होगा। तो इसलिए ये मैं आपको नहीं, मैं जो और लोग इस लेक्चर को देखेंगे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने पहले से ज्योमेट्री पढ़ी हुई होगी। तो ये इस थ्योरम पे बेस कर रहा है ये वाला जो हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, असल जो लाइन सेगमेंट था मेरा रेड कलर का था, तो बाकी चीजें मैं हटा देता हूँ। तो अब आप ये देख रहे हैं ये जितने भी सेगमेंट्स इक्वल पार्टीशंस हैं। यस सर। अब हम ये जो मैंने दो टिक मार्क लगाए, इसका मतलब ये होता है कि ये तमाम के तमाम इक्वल पार्टीशंस हैं, ये मकसद था इधर लगाने का। इसको स्केल पे रख के हम चेक कर लेते हैं कि वाकई ये इक्वल पार्टीशन बना भी है नहीं बना। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त ग्रीन मार्क देख रहे हैं, 1 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, तो इक्वल पार्टीशन बने हैं। तो आपने कितने भी पार्टीशन बनाने यही तरीकेकार फॉलो करेंगे। आपको नहीं समझ आता दोबारा ये वीडियो देखें कि किस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन की है, आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। ये क्लियर है कि पार्टीशन किस तरह करने हैं हमने एक और किसी भी लाइन से। ओके अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मैंने तो वैसे 5 यूनिट लेंथ ली थी ना, आप 1 यूनिट लेंथ के 5 पार्टीशन कर दें तो यहाँ पे ये 5 पार्टीशन कर देगा इक्वल, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे।